नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। आप देख रहे हैं न्यूज 1 11। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बिहार में राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी तेज हो गई है। बिहार में कुछ दिन पहले तक तो आपने देखा होगा कि एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी पर पोस्टर वार के जरिए हमला बोला जा रहा है, लेकिन अब एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए पोस्टर वार नहीं बल्कि डिजिटल वार किया जा रहा है। दरअसल फेसबुक पर राजद पार्टी के नाम के बदले नया नाम देते हुए को राष्ट्रीय जंगल दल पार्टी का नाम दिया गया है और उस पेज के जरिए लालू राबड़ी के शासनकाल के कार्यों की घोटाला और किडनैपिंग को दर्शाते हुए कहीं ना कहीं राजद पार्टी को नीचा दिखाने की जरूर कोशिश की गई है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए गठबंधन को आने वाले चुनाव में हारने वाली पार्टी बताते हुए क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए सुनते हैं। चाहे वो जितना वार करें एनडीए के लोग, हार उनकी निश्चित है। कुछ भी कर लें, जनता के द्वारा ये नकारे जा चुके हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, उनका मानसिक संतुलन और बिगड़ेगा। हमने नहीं कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना के गांधी मैदान में कहा था, जेडीयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न, और हम लोग कह रहे हैं जेडीयू का मतलब झूठा दावा दलील अनलिमिटेड। और नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब इस पर हम क्या बात करें? बिहार की जनता तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अब जनता की अदालत में ये डर रहे हैं जाने में। काम धाम तो 15 वर्षों में किया नहीं। अरे विरोधियों पर, हम लोगों पर आप हमले कर रहे हो। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता से इतना घबराए हुई है एनडीए के लोग कि तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी से तो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं न लड़ सके। आज हम सबसे बड़े दल के रूप में हैं बिहार में, तो जो राजनीतिक लड़ाई हमसे नहीं लड़ पा रहे हैं वो इसी तरह का आरोप लगाते लगाते थक जाएंगे, पोस्टर लगाते लगाते थक जाएंगे। जनता मुंह में करारा तमाचा मारेगी और इस बार इनको पता चल जाएगा कि जनता किस तरह से गुस्से में है। जनता का आक्रोश जो है इनके खिलाफ इतना है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जेडीयू तो समाप्त हो जाएगी, बीजेपी भी बर्बाद हो जाएगी।